अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ बिलाल आज़म एंड यू आर वाचिंग माय चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। ये एपिसोड मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो मुझे पिछली पूरी मेरी सीरीज चलते हुए मुझे बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि यार आप एक स्पेशल एपिसोड बना दें एक्सपेंसेस के लिए, कि टोटल एक्सपेंस मेरा कितना लगा ओवरऑल लाहौर से लेके ईरान, ईरान से टर्की और टर्की के भी शहर इस्तंबुल तक। ऑल्दो अगर आप मेरी जितनी भी एपिसोड्स वगैरह देखें और हर एपिसोड की जितनी भी यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन होती है मैंने उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन नीचे दी होती है, लेकिन मैंने देखा है कि 90% लोग जो है वो डिस्क्रिप्शन कोई नहीं पढ़ रहा होता, तो उसकी वजह से मैं अब ये वीडियो उन सब के लिए बना रहा हूँ जो लोग डिस्क्रिप्शन खोल के नहीं देखते। नॉर्मली अगर आप जब भी मेरी डिस्क्रिप्शन खोल के देखेंगे उसमें कोई ना कोई एक लिंक होता है जिसके अंदर मैंने सारी उस ट्रिप की डिटेल्स जो है वो लिखी होती हैं, तो अब मैं वही सारी डिटेल्स जो है वो आपको अब वीडियो की सूरत के अंदर बता देता हूँ ताकि ये डिटेल्स ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। तो अगर ओवरऑल मैं अपने एक्सपेंसेस की बात करूँ तो लाहौर से ईरान का एक एक्सपेंस है और ईरान के बाद फिर टर्की का एक एक्सपेंस है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ लाहौर से कराची तक का एक्सपेंस तो इसमें आपको मेन डाइवो का टिकट पड़ता है आलमोस्ट कोई 8,000 रुपीज़, 8 से 10,000 के करीब टिकट पड़ता है। आपको पता है डेली बेसिस के ऊपर टिकट्स की प्राइसेस वगैरह चेंज हो रही होती है, तो अभी ऐसा है कि मैं आगे वाली भी जितने भी कॉस्ट हैं वो US डॉलर के अंदर ही बताता हूँ बिकॉज पाकिस्तान की करेंसी भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है और ईरान की भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है और इवन टर्की की भी काफ़ी ऊपर नीचे हो रही है, तो डॉलर के अंदर चीज़ें जो हैं वो फिक्स रहती हैं, तो उस वजह से मैं आपको जितने भी सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं वो सारे फिर आपको USD के अंदर ही बताता हूँ। तो लाहौर से लेके अगर आप कराची तक का टिकट देखें तो वो ऑलमोस्ट आपको पड़ जाता है कोई $35 का। उसके बाद कराची से आपको ग्वादर का टिकट लेना पड़ता है मुमताज़ बस का, इसकी भी जो डिटेल्स है इसका फ़ोन नंबर बुकिंग वगैरह नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, इधर आपको स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ अगर आपने बुक वगैरह करानी हो। तो कराची से ग्वादर की जो बस चलती है वो यूसुफ गोट से चलती है, जो यूसुफ गोट एरिया कराची में वहाँ से आप लोग बस लेते हैं अलमुमताज़ की और वो आपको तकरीबन 10 घंटे में पहुँचा देती है ग्वादर के बॉर्डर के ऊपर। ग्वादर के बॉर्डर तक आप पहुँच गए, ये आलमोस्ट पाकिस्तानी 2500 रुपये में ये टिकट था मेरा और अगर आप मैं ओवरऑल देखूँ तो $15 आप लगा लें ऑलमोस्ट कोई $12 से $15। उसके बाद वहाँ से आपको बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आपको आगे जाना पड़ता है एक लोकल टैक्सी के अंदर बैठ के आप बॉर्डर क्रॉस करके उनके टर्मिनल तक जाते हैं, वो है ऑलमोस्ट $1 की आपको टैक्सी और टैक्सी मिल जाती है। उसके बाद आप चाबहार के शहर के अंदर एंटर हो जाते हैं ईरान के अंदर। अब ईरान के अंदर फिर सिलसिला ये है कि अब आपका एक्सपेंस जो है वो सारा का सारा इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कितने दिन आपने ईरान के अंदर रहने हैं। मेरा क्योंकि एक्सपेंसेस ऐसे हुए थे कि मैंने अपना पूरा तकरीबन 13 से 14 दिन मैंने ईरान के अंदर गुजारे हैं और ऑलमोस्ट इतने ही दिन मैंने 14 दिन मैंने टर्की के अंदर गुजारे हैं, तो उसके अंदर आपका जो एक्सपेंसेस है वो कितने दिन आप उसके अंदर रह रहे हैं आपको उसके हिसाब से लगेगा। अब दो तरह के इसके अंदर ट्रैवल हो सकते हैं, एक वो बंदा है जो यहाँ से डायरेक्ट पाकिस्तान से सिर्फ उसका मेन मकसद है कि मैंने टर्की जाना है, यानी ईरान को इतना ज़्यादा नहीं घूमना, ईरान को सिर्फ जो है वो क्रॉस करना है और टर्की में एंटर होना है, तो उसको ऑब्वियसली एक्सपेंस कम होएगा। लेकिन जो बंदा ये चाहता है कि वो ईरान को भी एक्सप्लोर करे और टर्की को भी एक्सप्लोर करे तो उसका एक्सपेंस जो है वो ज़्यादा आएगा। तो मैंने क्योंकि दोनों किए हैं मैं पहले अपना भी बता देता हूँ और फिर बाकी लोगों के लिए भी बता देता हूँ। ओवरऑल अगर आप ईरान का अपना एक्सपेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मेनली तीन तरह के एक्सपेंस होते हैं, आपका रहने का खर्चा यानी कि हॉस्टल या होटल की अकोमोडेशन, आपकी खाने पीने की कॉस्ट और उसके अलावा आपकी जो बसेज हैं एक शहर से दूसरे शहर जाने की। तो वो मैं आपको एक अब आइडिया दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप ईरान के अंदर एक हॉस्टल अगर तो बुक करते हैं तो वो आपको जो पर बेड है ऑलमोस्ट आपको $4 to $7 के करीब करीब आपको एक अच्छा हॉस्टल का वन नाइट का बेड मिल जाता है ओनली $4 to $7। और खाना अगर मैं देखूँ तो ईरान के अंदर आपको ऑलमोस्ट कोई पाकिस्तानी $3 से $4 मैक्सिमम, यानी ये भी मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ, शायद पाकिस्तानी 500 का मतलब है कि $2, $2.5, ठीक है ऑलमोस्ट आपको समझ लें वन टाइम मील जो है वो आपको $2 से $4 के करीब आपको एक टाइम का मील मिल जाता है। और अगर आप स्ट्रीट फूड लेते हैं तो इससे भी सस्ता मिल जाता है, यानी बहुत सस्ता भी मिल जाता है, तो ये एवरेज कैलकुलेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और एक शहर से दूसरे शहर की अगर आप ईरान की बसेस के टिकट्स देखें तो ऑलमोस्ट आप यूँ समझ लें $7, $6 to $8 के करीब आपको टिकट पड़ता है एक शहर से दूसरे शहर जाने का, जिसका अब यूँ समझ लें 6 से 7 घंटे वाली जो भी बस चलेगी उसका यही जो है वो ट्रैवल का टाइम होगा। तो इस तरह आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका टोटल एक्सपेंस ईरान के अंदर कितना होगा। तो मैं अगर अब अपना पूरा बताता हूँ कि मैंने जो 14 दिन ईरान के अंदर गुजारे जिसके अंदर मेरा 14 दिन का रहना खाना पीना और ओवरऑल सारा का सारा घूमना फिरना, इवन फ्लाइट भी मैंने एक ली थी किश आइलैंड से लेके शराज तक,
ये सब कुछ मिला के मेरा जो ओवरऑल एक्सपेंस आया वो मेरा तकरीबन आया $260। अब ये काफ़ी कम है एक्सपेंस अगर मैं देखूँ तो, उसकी वजह ये है कि हम दो लोग थे और काफ़ी चीज़ें हमारी शेयर हो जाया करती थी। टैक्सी जब हम करवाते थे तो टैक्सी के पैसे भी शेयर हो जाते थे, खाना भी जब हम लेते थे वो भी कुछ ऐसा शेयर हो जाता था, इसकी वजह से कॉस्ट कम आती है। अकेला बंदा है तो मैं देख सकता हूँ कि ऑलमोस्ट ना ये $350 तक शायद मेरा लग जाता अगर मैं अकेला आता, अभी मेरा ऑलमोस्ट $260-$270 इतना लगा है सिर्फ। तो और प्लस ये है कि हम हॉस्टल्स में रहते थे और कॉस्ट को मैंने ऐसे मैनेज किया था कि मैं इसको जब हमने एक शहर से दूसरे शहर जाना होता था तो मैं नाइट वाली बस करवाता था, उससे आपकी होटल की या हॉस्टल की एक नाइट भी सेव हो जाती है और आपकी वो रात को ही आप बस के अंदर सो के जाते हैं दूसरे शहर में और अगले शहर में आप पहुँच के फिर उस दिन का हॉस्टल दौड़ा देते, तो इस तरह आप कॉस्ट को मैनेज करते। तो ये मेरा सा था ऑलमोस्ट $260 आप समझ लें मेरा ईरान के अंदर लगा। और फिर इतने ही दिन जब मैं ईरान से एग्ज़िट किया, मैंने ईरान से एग्ज़िट करने के बाद जब टर्की एंटर हुआ तो वहाँ से लेकर इस्तांबुल शहर के आखिरी दिन तक, आज के दिन तक ऑलमोस्ट मेरा लगा है आप यूँ समझ लें कोई $280 लगे हैं मेरे टोटल। इसके अंदर भी मेरा सारा खाना पीना शामिल है और बसों की कॉस्ट, ट्रैवल कॉस्ट और हॉस्टल की कॉस्ट शामिल है। और 90% मैंने सारी बसेस इस पूरे ट्रिप में ऐसे ही किया था, आपने मेरे पिछले वीडियोस देखी हैं, मैं नॉर्मली रात के टाइम ही निकलता था और सुबह के टाइम हम किसी शहर में पहुंच जाया करते थे जस्ट टू सेव ओवर अकोमोडेशन वाला पार्ट जो होता था। तो अब आप देख लें कि मेरा ईरान और टर्की का ट्रिप जो लाहौर से स्टार्ट हुआ और इस्तांबुल पे जाके अब ख़त्म हो गया और इस्तांबुल तक मेरे 260+280, ठीक है, ये मेरा ऑलमोस्ट आप यूँ समझ लें 500 से थोड़ा सा ओवर 550 के करीब ऑलमोस्ट ये मेरी टोटल कॉस्ट बन जाती है। अब इसमें वापसी अभी शामिल नहीं है, वापसी का सीन ये है कि जो अब्दुलरहमान है मेरा कज़न वो वाया फ़्लाइट आएगा और मेरा भी क्या प्लान है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताता हूँ। अभी यहाँ से इस वीडियो को अभी फ़िलहाल अभी यहाँ तक ही देखें, अगली वीडियो में आपके साथ प्लान शेयर करूँगा। तो वापसी का जो टिकट है वो आप ऑलमोस्ट आपको इस्तांबुल से रिटर्न टिकट, अगर आप अब आपने देखना है कि अगर आप सस्ते में आना चाहते हैं तो आप इस्तांबुल से ही वापस फिर आ सकते हैं डायरेक्ट पाकिस्तान ईरान के अंदर, तो फिर आप ना स्टे करें डायरेक्ट बस पकड़ें और इस्तांबुल से आप तेहरान की बस पकड़ें लंबी वाली और फिर तेहरान से इस तरह चाबहार आएँ और चाबहार से आप पहुँच जाएँ वहाँ पर वापस। तो काफ़ी टाइम लगता है लेकिन अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं और थोड़े से जेब आपको इजाज़त देती है तो आप मैं सजेस्ट ये करूँगी फिर दोबारा दिल नहीं करता उसी रूट से वापस आने को, आप वहाँ से फ़्लाइट से वापस आ जाएं। जो आपको तो अगर ऑनलाइन ही देखना पड़ेगा कि हर टाइम टिकट्स के रेट अलग ही मिल रहे होते हैं। तो इस्तांबुल से अगर मैं कराची का टिकट देखूँ ऑलमोस्ट पेगासस एयरलाइन का आपको कोई 40,000 से 45,000 रुपये का आपको कराची का टिकट पड़ता है और अगर आप इस्तांबुल से लाहौर का टिकट देखें तो ऑलमोस्ट आपको कोई डबल के करीब करीब पड़ रहा होता है 70-75,000 के करीब आपको ये टिकट पड़ रहा होता है। तो ये अब आप देखेंगे ओवरऑल इस तरह ख़र्चा बढ़ जाता है लेकिन यही अगर आप बाय बस आएंगे तो आपको 75,000 तो नहीं लगेगा, मेरा ख्याल है मैक्सिमम आपका कोई 20,000 में नहीं लगना चाहिए। ये तो हो गया ईरान और टर्की का। तो अब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं जो सबसे ज़्यादा मुझे क्वेश्चन आता है कि यार इधर से अगर पाकिस्तान से अगर टर्की जाना हो तो कितना खर्चा आता है, ये कॉमन क्वेश्चन जो है वो सबसे ज़्यादा ये आता है कि जी पाकिस्तान से टर्की बाय रोड का कितना खर्चा आता है, तो वो मैं अब आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसमें सीन ये है कि आपको फिर ईरान को अब रहना नहीं है, इसमें सिर्फ बाईपास ही करना है ईरान को। तो ईरान का जब आप एंटर होते हैं, एंटर होते ही चाबहार शहर आता है। तो चाबहार जो है वो वैसे बड़ा छोटा सा शहर है और अगर आप देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा एयरपोर्ट भी है और एक बस टर्मिनल भी है। अगर आप बस के ज़रिए यहाँ से देखेंगे तो आपको तेहरान की या तबरेज़ की बस नहीं मिलती, तो आपको यहाँ से पहले किसी एक शहर की बस लेनी पड़ती है या किरमान की या शिराज की, आप वो बस लेंगे और वहाँ से आप फिर तबरेज़ की बस लेंगे और तबरेज़ के मुकाम के ऊपर आपको फिर टर्की की जो है वो बस मिल जाती है जो आपको बॉर्डर क्रॉस करवाती है। तो चाबहार से अगर आप तबरेज़ के मुकाम तक जाएंगे तो आपको ऑलमोस्ट कोई 3 दिन तो लग ही जाएंगे टोटल और आपकी जो बसों की कॉस्ट आएगी वो ऑलमोस्ट आप यूँ समझ लें कोई $30-$35 के करीब आपकी बसों की कॉस्ट आएगी। खाना पीना आप दरमियान में करते रहें, एक शहर में उतरे आप फिर वहाँ से अगली बस ले लें और बसों के अंदर ही सोते हुए जाएं, ये आप इस तरह अपनी कॉस्ट सेव भी कर सकते हैं। और अगर आपने दरमियान में कोई एक नाइट गुजारनी है और ज़्यादा थक जाए तो $4-5 के अंदर आपको हॉस्टल भी मिल जाएगा। ऑलमोस्ट अगर मैं आपको बताऊं कि $50 के अंदर आप लोग तबरेज़ के शहर पे पहुंच जाते हैं, यहाँ से फिर आपको $30 का टिकट मिलता है बॉर्डर क्रॉसिंग का जो बस का होता है और फिर आगे टर्की का सफ़र स्टार्ट हो जाता है इस्तांबुल का। तो पहला शहर जहाँ पर आप टर्की के अंदर एंटर होते हैं तबरेज़ से उसका नाम है वान। अब वान शहर मैं भी वहीं पे पूछा था, वान शहर से आपको डायरेक्ट इस्तांबुल का शहर का भी टिकट मिल जाता है और फिर आप बाकी शहरों में भी जा सकते हैं। इस्तांबुल का जो टिकट है वो ऑलमोस्ट $45 आपको मिलता है और आप इस्तांबुल पहुंच जाते हैं।
तो अगर मैं मोटा मोटा देखूँ तो सिर्फ बसेस का ही अगर मैं देखूँ तो आप 100 या मैक्सिमम 120-130 डॉलर के अंदर आप बॉर्डर से ईरान के बॉर्डर ईरान में एंटर होने के बाद इस्तंबुल तक आप इतने पैसों में खोल जाते हैं, ऑलमोस्ट कोई 120-150 डॉलर के करीब करीब। बाकी आप पाकिस्तान की बसों का जो है फेयर वो लैदा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आपका लाहौर से जाना है या आपने कराची से जाना है वो लोकल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ऑलमोस्ट वो भी 12 से 15 डॉलर बन रहा होता है। तो ये है जनाब ओवरऑल कॉस्ट। अब यही अगर आप लाहौर से इस्तांबुल का टिकट लेते हैं तो वो आपको अच्छा खासा महंगा पड़ता है, आजकल 1.5 लाख रुपए का ऑलमोस्ट टिकट पड़ रहा होता है। लेकिन अगर आप यहाँ से जाते हैं लाहौर से अगर आप इस्तांबुल पहुँचते हैं तो ऑलमोस्ट आपका 150-160 डॉलर का सिर्फ जो ट्रैवल का खर्चा है वो आपका ये पड़ता है। इसमें हो सकता है कि थकावट की वजह से आपको दरमियान में कहीं पर रहना भी पड़े और दरमियान में खाना पीना भी होगा। अब आप रहने का लगा लें मैक्सिमम 50 डॉलर आप लगा लें, 2-3 नाइट हो सकता है, आप कहीं पर रहना भी चाहें, अब इतना लंबा बसों का सफ़र कंटिन्यूस भी नहीं होता तो आपको क्योंकि 5-6 डॉलर का क्योंकि मिल जाता है कोई ना कोई होटल, तो आप 5-6 डॉलर रुपये टर्की के 10 डॉलर का भी मिलता है तो रफली आप 50 डॉलर उसके ऐड कर लें, 50 डॉलर ही आप खाने पीने के ऐड कर लें, मोर देन एनफ है। टोटल अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो 250 डॉलर इंक्लूडिंग आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, आपकी जो होटल की कॉस्ट है और आपकी खाने पीने की कॉस्ट है, इतने पड़ते हैं ये वन साइड के। वापस आएंगे तो भी ऑलमोस्ट आपको इतने पड़े होंगे या इससे कम पड़े होंगे, ठीक है जी। तो ओवरऑल ये सीन है बस के ऊपर जाने का। एक और चीज़ मैं आपको स्पेशली बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे वीज़ा के बारे में पूछते हैं कि यार जब आपने बाय रोड तक ही जाना होता है तो उसका वीज़ा का कोई अलहदा प्रोसीजर है या कोई हम ईरान जाके भी टर्की का वीज़ा ले सकते हैं। तो नंबर वन पॉइंट ये है कि पाकिस्तानियों को टर्की का वीज़ा पाकिस्तान से मिलता है, ईरान से आप नहीं अप्लाई कर सकते, आपको पाकिस्तान से ही अप्लाई करके जाना है या इस्लामाबाद से या कराची से या लाहौर से। और इसके अलावा जो ईरान का वीज़ा वो मैं ऑलरेडी आपके साथ पिछले एपिसोड में शेयर कर चुका हूँ, वो ई वीज़ा होता है, ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं, एम्बेसी में जाके आप कागज़ जमा करवाते हैं और आपको वीज़ा मिल जाता है। और टर्की का भी ऐसे ही है कि आपने अनातोलिया ट्रैवल सर्विस है, आप उनके ऑफिस में जाते हैं लाहौर में हो या कराची में हो या किसी भी बड़े शहर के अंदर, अनातोलिया ट्रैवल्स के किसी भी ऑफिस में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं, ऑलमोस्ट आपके 1 वीक के अंदर आपका टर्की का वीज़ा लग के आ जाता है। ये वीज़े दोनों लेकर तब फिर ही आप जो है वो अपना ट्रैवल कर सकते हैं, ईरान के अंदर जाके आप अपना टर्की का वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते। और इसके अलावा क्या क्वेश्चन आए थे, आई थिंक मेरा ख्याल है यही चीज़ें सबसे ज़्यादा मेरे से पूछी जा रही थी, वीज़े से रिलेटेड भी और एक्सपेंसेस से रिलेटेड भी। आई होप मैंने आपके क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आंसर कर दिए होंगे। और अब मैं चलता हूँ यहाँ से, अपनी वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड जो है वो आप देखेंगे मेरा इस्तांबुल से निकलने का सफ़र, वो क्या होगा वो आपके लिए सरप्राइज़ है, इंशाल्लाह आपको पता होगा अगले एपिसोड में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।